कि किसानों की स्थिति जैसे थे है और वो है आत्महत्या के कगार पर पहुंची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही नहीं, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भी आत्महत्याएं जारी है और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और ये आत्महत्या क्या नीतियों के गलत होने के कारण हत्या है। बजट में क्या अपेक्षा थी कि संपूर्ण ऋण मुक्ति घोषित होगी, उसके लिए जितने भी लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी वो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर व्यवस्थित रूप से आकर आवंटन होगा, बिल्कुल उसका उल्लेख मात्र नहीं है। आत्महत्याओं के बाद भी जेटली जी को कोई संवेदना निर्माण नहीं करने के कारण बतानी नहीं पड़ी है। और उपज का सही दाम जो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर उनके पिछले घोषणा पत्र में था, वो अगर देना था तो जिसको मार्केट इंटरवेंशन कहते हैं, जिसके 950 करोड़ का आवंटन पूर्व में था, वो कम करके 200 करोड़ पर नहीं लाते। और उपज का सही दाम अगर देने की बात वो केवल घोषणा के रूप में करते हैं और ये कहते हैं कि नीति आयोग के साथ वर्कआउट होगा और बाद में 2020 तक देखेंगे, तो ये सब आगे का चुनाव मद्देनजर रखते हुए ही किया गया है। और मैम, जो मुआवजा मिल रहा था, अभी देखा यूपी में भी जो मजाक किया गया है मुआवजे के नाम पे, उस पर क्या था? नहीं, भूमि अधिग्रहण के बाद तो इन्होंने इसमें लाई ही नहीं है। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी जैसे, सागरमाला, भारतमाला, जेटली जी का ही नहीं, उनके बाद जो मोदी जी का भाषण हुआ वो अगर आपने सुना होगा तो उसमें उन्होंने सागरमाला, भारतमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, सब प्रोजेक्ट्स इतने अधोरेखित किए और इतने हाईलाइट किए कि वही फोकस है, ये ध्यान में आए बिना कोई नहीं रह, कोई नहीं छूटा होगा। तो उसमें उन्होंने जो जो संसाधन लगने वाले हैं, जिसका असर किसानों पर, हम किसानों की व्याख्या में मछुआरों को, दुग्ध पालकों को, पशुपालकों को, कुक्कुट पालकों को, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों को भी समाविष्ट करते हैं, चरनोई पर जीने वाले दलितों को भी हम मानते हैं, वो भी किसान ही हैं और खेत मजदूर भी किसान हैं। तो इन सबके संसाधन जबकि डाइवर्ट हो रहे हैं, हस्तांतरित हो रहे हैं, तो विस्थापित तो शब्द भी बजट में नहीं आता है, इनके दिमाग में भी नहीं आता है, लेकिन ये जो संसाधनों का जो बंटवारा और आवंटन है उसका प्रतिबिंब कहीं बजट में होता ही नहीं है। ये एक बजट की मर्यादा है और दो बजटों के बीच में निर्णय लिए जाते हैं, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, तो बजट का आज आधार भी कितना रहा है, उसका अर्थ भी कितना रहा है, ये भी एक सवाल है। और बजट में जो आवंटन होता है वो कितना झूठ है, ये सिंचाई जैसे एक एक क्षेत्र के आंकड़ों के तफसीलवार तोड़ फोड़ करके पोल खोल हम कर सकते हैं, पर अभी ये पूरी हकीकत एक दम में नहीं बता सकते हैं। अब आगे क्या करें? आगे तो संघर्ष, और संघर्ष के कारण ही यहाँ तक तो वो आए, कम से कम उनको किसान का नाम लेना पड़ा और ये बजट विशेष रूप से किसानों का बजट ये कहना पड़ा, मतलब अभी तक के नहीं थे ये मानना पड़ा। और अभी तक जो किसानों के खेती के क्षेत्र के लिए आवंटन हुआ है उससे भी कई मुद्दों पर इन्होंने कम किया है, और फसल बीमा जैसे मुद्दे पर ज़्यादा किया है जहाँ कॉरपोरेट्स कंपनियों को लाभ ज़्यादा है, ये बात जाहिर हो चुकी है। स्मार्ट सिटीज़ और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आवंटन किया है, पर रूरल मार्केट्स के अपग्रेडेशन के लिए 22,000 मार्केट्स के लिए 2,000 करोड़ और 96 जिलों के भूजल संबंधी सिंचन योजना के लिए 2,600 करोड़ रखे, और वो भी आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सिंचन प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा पैसा रखा है जो यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। सरदार सरोवर पर 1.5 करोड़ थोड़े रख सकते हैं ये, जबकि 41,000 किलोमीटर के नहरे बाकी। तो ये सब झूठ आंकड़े कहीं ना कहीं बताकर इन्होंने पूरा चित्र देश के जनता से छिपाया है, और ये जो एक फर्जीवाड़ा है इसीलिए उसको बजट कहेंगे। तो हम लोग अपना हिसाब, कितनी उपज में लागत सही होती है, कितनी मेहनत कशों की मेहनत लगती है, ये सब देश के सामने रखकर संघर्ष करने के सिवाय दूसरा। मैडम, सब इसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है सब जुमला सरकार कहते हैं, तो ये बजट में भी इनने क्या जुमला दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत सारे विभूषण मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं, फेकू सरकार, सांप्रदायिक सरकार, जातिवादी सरकार, मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने वाली सरकार, कॉरपोरेट सरकार, अब जुमला सरकार। अब ये नाम के भी पार जनता जो समझ रही है कि इनकी नीतियाँ क्या है वो महत्व का है, और वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो उनकी नीतियों से ही हम उसकी परीक्षा करते हैं, और जन आंदोलन अपने मुद्दे पर कभी समझौते नहीं करते।